हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पेंटामेनिया टेक्नोलॉजीज। मैं आपका होस्ट दानिश, और आज हम लोग आ गए एक नई वीडियो लेकर के, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कैसे रैंक किया जाए छोटी वेबसाइट्स को जो कि फ्रेश बनी है, इतना ज्यादा कंपटीशन हैंडल नहीं कर सकती और उसकी बिजनेस नीच में बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही हैं। तो कैसे ऐसी छोटी वेबसाइट्स को हम लोग गूगल के ऊपर फास्ट रैंक कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, छोटी वेबसाइट्स को रैंक करने में लोगों को काफी समस्या आती, काफी दिक्कत आती। प्रॉब्लम क्या होता है, आज मैंने अपनी एक नई वेबसाइट बनाई है बट वो रैंक करेगी नहीं, क्योंकि अभी बनी है, अभी एकदम फ्रेश है, गूगल के लिए नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, उसका ट्रैफिक नहीं है और भी बहुत सारी चीजें जिसका लेवरेज एक नई छोटी वेबसाइट को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जब मैं छोटी बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेश है, छोटी से मेरा मतलब जिसपे कम कॉन्टेंट है, जिसपे एक दो पेजेस है, जो सिर्फ वन पेज वेबसाइट है, मोस्टली सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए बनी हुई, उन वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन वेबसाइट्स को प्रॉब्लम आती है बड़ी वेबसाइट से कम्पीट करने में, और वो बड़ी वेबसाइट्स जो होती है वो ऑलरेडी स्टेबल वेबसाइट्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए गूगल के ऊपर रैंक कर रही हैं। तो किस तरीके से हम इन छोटी वेबसाइट्स को रैंक करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कितने लोग आप में से जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, छोटी वेबसाइट्स ओन करते हैं, नई फ्रेश वेबसाइट्स ओन करते हैं और इस तरीके की समस्याओं का इस तरीके की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, कुछ आपके प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है, ताकि हम लोग आपको हेल्प कर सके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, और मैं आपको बताऊंगा कुछ वो टिप्स जिसके थ्रू आप इन छोटी वेबसाइट्स को, नई वेबसाइट्स को जल्दी और फास्ट तरीके से रैंक कर सकते हैं। सो पहला टिप ये है कि जब आप अपने वेबसाइट रजिस्टर कर रहे हैं, यानी कि जब आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन परचेस कर रहे हैं, बहुत इनिशियल लेवल पे है, अभी आपने वेबसाइट बनाया नहीं, जस्ट फाइनलाइज हो रहा है कि डोमेन क्या खरीदना है, तो आप डोमेन ऐसा चुनिए जो कि हो सकता है आपके बिजनेस को समझाता हुआ, फॉर एग्जाम्पल, और लोकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाली है और मैं चाहता हूँ कि जयपुर वाले जो लोग हैं वो क्विकली मेरी वेबसाइट तक पहुंच पाए, जल्दी मेरी वेबसाइट रैंक करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे डोमेन के अंदर, मेरे डोमेन नेम के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मेरा बिजनेस कीवर्ड है, और टर्म जयपुर, दोनों आए। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग जयपुर या डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर, समथिंग लाइक दिस। वैसे इन तो डोमेन में आना बहुत बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, बट कहने का मेरा मतलब है दोनों चीजें अगर आपके डोमेन के अंदर आएगी, जैसे आपका लोकल टर्म और आपका कीवर्ड, तो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इन डोमेन्स को हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ एग्जैक्ट मैच डोमेन्स, यानी EMDs। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहली टिप कि आप कोशिश करिए कि आप ऐसे EMDs को इनिशियल लेवल में, जब आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अभी जस्ट डोमेन फाइनलाइज कर ही रहे हैं, तो ऐसे डोमेन्स को ढूंढने की कोशिश करिए जो कि अवेलेबल हो और आपके बिजनेस नीश को बहुत अच्छे से बताते हो, समझाते हो आपके आपके क्लाइंट्स को, आपके ट्रैफिक विजिटर्स को, और प्लस एरिया भी डिफाइन करते हो। दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू गाइस टू गेन इनिशियल ट्रैक्शन, जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो जरूरी होता है ट्रैफिक के लिए ट्रैक्शन, वो गेन करने में आपको बहुत मदद करेंगे EMDs। चलिए, तो दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं। दूसरी टिप ये है कि जैसे बड़ी कंपनीज होती जाती हैं, जितनी बड़ी कंपनीज होती जाती है, वो अपने कस्टमर से वन ऑन वन एंगेजमेंट मिस कर देती है। यानी कि आप अगर एक छोटी कंपनी है, आप एक फ्रेश कंपनी, आप एक जस्ट एक स्टार्टअप कंपनी है, तो आपके पास अभी क्लाइंट बेस उतना बड़ा नहीं है जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है या आपसे क्वेश्चन आयर कर रहा है, आपसे क्वेश्चन आकर के पूछ रहा है। तो मेरा सजेशन टिप टू ये रहेगी कि आप अपने कस्टमर से वन ऑन वन एंगेजमेंट को बढ़ाएं, वन ऑन वन उनके प्रॉब्लम सुनिए, वन ऑन वन उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करिए, एड्रेस करिए, उनको बताइए कि हाँ, हम आपकी केयर करते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स की केयर करते हैं, और हम आपके लिए चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग जल्दी सॉर्ट करें। उससे होता यह है कि कस्टमर को भी एक ट्रस्ट जनरेट होता है, कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट करने लगता है कि हाँ, ये एक अच्छी कंपनी है, ये मेरी केयर कर रही है, मुझे वैल्यू कर रही है, मेरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। उससे होता यह है कि वो माउथ मार्केटिंग आपके आगे स्टार्ट कर देता है, यानी एक आया, एक आके दो को बताता है, एंड फिर तीन को और फिर चार को, तो ये पूरा एक चेन डेवलप हो जाता है जो कि आपको फ्री ट्रैफिक देता है आपकी नई वेबसाइट के ऊपर। सो EMDs अपनी जगह पे काम करेंगे और आपका फ्री ट्रैफिक अपनी जगह पे काम करेगा, और जितने लोग आपके पास आते जाएंगे, जितने लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, उतना आपके डोमेन के लिए अच्छा है, उतना आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है, उतना ट्रैफिक आपको लेवरेज देगा अच्छे से जल्दी रैंक करने के लिए। चलिए, यही तो आगे बात करते हैं तीसरी टिप की, और तीसरी टिप ये है कि आपको किस तरीके से लेवरेज लेना है, फायदा उठाना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का। जिन लोगों को नहीं पता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्लीज इस आई आइकन को दबाइए जहां हमने बता रखा है SEO के बारे में, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में एलाबोरेट किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप लोग यहाँ पे जाकर के इस लॉन्ग टेल कीवर्ड टर्म के बारे में समझ सकते हैं। एंड फॉर पीपल हु आर जस्ट बिगिनिंग, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शूज ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ और अगर मैं सिर्फ प्लेन लिख देता हूँ
ब्लैक शूज, तो गूगल विल गेट कंफ्यूज और वो कोशिश करेगा कि मुझे ब्लैक कलर के शूज दिखाने की कोशिश करे, बट ब्लैक शूज में बहुत सारा वैरायटी है। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेनिंग शूज चाहिए, आपको रनिंग शूज चाहिए, आपको कैजुअल शूज चाहिए, आपको फॉर्मल शूज चाहिए, किस तरीके के शूज आप ढूंढ रहे हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या करता है, मेरे कीवर्ड को बहुत स्पेसिफिक बनाता है, गूगल के लिए इजी हो जाता है स्पेसिफिक कीवर्ड्स को सर्च में मेरे को दिखाने के लिए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में मुझे दिखाने के लिए। सो अगर मैं ब्लैक शूज की जगह लिखूंगा ब्लैक रनिंग शूज या नाइकी ब्लैक रनिंग शूज, तो अभी गूगल को पता है कि उसको मुझे क्या दिखाना है, उसको मुझे नाइकी कंपनी के ब्लैक कलर के रनिंग शूज दिखाने, और ये बन गया मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो कोशिश करिए आप अपनी वेबसाइट के लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूटिलाइज करिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के लिए इजी रहेंगे, फास्ट ट्रैक कराते हैं और बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। स्पेसिफिक रहने से होता यह है कि जो बड़ी कंपनीज है वो बहुत वैरायटी के बारे में बात कर रही है, पर यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात कर रहे हो, और जिसके वजह से हमारा अगला टिप बनता है। और जैसा मैंने आपको बताया इसकी वजह से हमारा अगला टिप बनता है, तो जो हमारा अगला टिप है वो है नीश कंटेंट। जी हाँ, नीश को, नीश इज अ इंग्लिश वर्ड बट इसकी हिंदी करूं तो स्पेसिफिक ही होता है, यानी आप बहुत सारी वैरायटी के बारे में बात मत करिए। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ओपन कर रहा हूं, मुझे ब्लॉगिंग करनी है और मैं सिर्फ किसी कंटेंट के बारे में लिखना चाहता हूं, तो मैं ऐसा नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में जो कुछ है सबको स्टार्ट कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक कीवर्ड से या एक किसी मॉड्यूल से, फॉर एग्जांपल एसईओ, मैं एसईओ से स्टार्ट करूं, एसईओ से स्टार्ट करूं, एसईओ के बारे में लिखना स्टार्ट करूं, और अंटिल अनलेस तब तक सिर्फ एसईओ के बारे में लिखता रहूं जब तक लोग आकर के मुझे एसईओ के लिए ट्रस्ट करना स्टार्ट नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल अभी भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ फॉलो करना, और फ्रेश कंटेंट के लिए, फ्रेश मार्केट में क्या चल रहा है उसके लिए, गूगल क्या कर रहा है उसके लिए, तो मैं उन वेबसाइट्स को क्यों विजिट करता हूँ, क्योंकि मुझे उन वेबसाइट्स पे ट्रस्ट है किसी पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर। फॉर एग्जांपल एसईओ के लिए मेरे पास अलग वेबसाइट है, अगर मुझे गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानना है तो मेरे पास एक अलग वेबसाइट है। सो ये हो गई नीश कंटेंट वाली वेबसाइट्स। नीश कंटेंट वाली वेबसाइट्स कैसे काम कर रही है, वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करिए, ना कि पूरे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करिए। सो आप कोशिश करिए जब स्टार्ट कर रहे हैं एटलीस्ट, तो स्टार्ट करते वक्त आप सिर्फ किसी एक टॉपिक को अपने बिजनेस में से किसी एक टॉपिक पर रैंक करना स्टार्ट करिए। देखिए उससे फायदा क्या होगा, जो ट्रस्ट आप जनरेट कर रहे हैं उस एक टॉपिक के ऊपर वो आपको लेकर के जाएगा आपके दूसरे टॉपिक्स के लिए, तो इससे आपको काफी फायदा। और चलिए बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी टिप की, जो है टिप नंबर 5, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और वो है आपको अपनी वेबसाइट को बनाना पड़ेगा मोबाइल फ्रेंडली। जी हाँ, गूगल बहुत टाइम पहले मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग एल्गोरिथम को लॉन्च कर चुका है, उसके तहत कोई भी वेबसाइट जो कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है गूगल उसको वैल्यू नहीं करता है, उसके कंटेंट को वैल्यू नहीं करता है, और जो भी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होती है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है, वो उसको वैल्यू करता है, कोशिश करता है उसको जल्दी रैंक कराने की। और इसके साथ साथ एक और टर्म जो कि आपको ध्यान रखना है वो होता है AMP, दैट इज एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत नया नहीं बोलूंगा बट हाँ एक दो साल ही हुए इसको मार्केट में आए इस कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट के तहत ये डिसाइड हुआ कि जहां पे भी लेस नेटवर्क कवरेज है या फिर बहुत कम इंटरनेट की स्पीड्स होती है वहां पे आपकी वेबसाइट के पेजेस प्रॉपर ओपन नहीं हो पाते, तो आपको अपनी वेबसाइट्स के लिए AMP भी सेटअप करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हम लोग AMP के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जहां हम लोग बताएंगे कि AMP कैसा काम करता है, और उस टाइम पे हम लोग यहां पे उसको लिंक करेंगे वीडियो को। बट मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे देता हूं, AMP कैसे काम करता है। AMP आपकी वेबसाइट को बहुत बेसिक कर देता है, उसके ऊपर जितने भी फालतू एलिमेंट्स, जितने भी एनिमेशन एलिमेंट्स है, एड एलिमेंट्स है, पॉपअप एलिमेंट्स है, वो सबको रिमूव कर देता है, सिर्फ रह जाता है इमेज और कंटेंट। उसकी वजह से होता यह है कि जहां पे भी लेस कवरेज है, जहां पे भी इंटरनेट का कवरेज उतना बेटर नहीं है, उतना हायर स्पीड्स नहीं है, वहां आपकी वेबसाइट फास्ट होती है, क्योंकि जितने भी रेंडर ब्लॉकिंग एलिमेंट्स थे वो सब हटा दी जाते हैं इन AMP। सो आपको अपनी वेबसाइट को बनाना है मोबाइल फ्रेंडली, आपको अपनी वेबसाइट के पेजेस को कन्वर्ट करना है इनटू AMP, दैट इज एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। और इसके लिए गूगल का एक टूल भी है जिसका नाम है पेज स्पीड इनसाइट टूल। पेज स्पीड इनसाइट टूल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर के अपने इंडिविजुअल पेजेस को टेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं, और वहां पे गूगल आपको दो रैंक देता है, दो नंबर देता है आउट ऑफ 100, वहां पे बताता है कि मोबाइल में आपकी वेबसाइट को कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 और डेस्कटॉप पे कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। जिन लोगों को नहीं पता है मोबाइल SEO और डेस्कटॉप SEO आर टू सेपरेट थिंग्स, तो आपको दोनों के लिए काम करना पड़ेगा, और वहां पे आपको ये भी बताएगा कि वो कौन से इश्यूज रेज हुए हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हुए हैं आउट ऑफ 100, तो आप उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आप किसी टेक्निकल बंदे की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं जिसने आपकी वेबसाइट बनाने में इनिशियली मदद करी थी, वो आपको असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल होती है, थोड़ा सा टेक्निकल लेवल की तरफ होती है। So, उसके थ्रू वो एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद, वो सारी प्रॉब्लम्स रिमूव करने के बाद, इरेज करने के बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड हो जाएगी फास्ट, एंड दैट विल हेल्प यू इन रैंक बेटर ऑन SEO ऑन गूगल।
सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सजेशंस हैं हमारे लिए, तो प्लीज उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और हमारी चैनल को, हमारी वीडियोज को प्लीज लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।